प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, हमारा Facebook पेज एस्ट्रो टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर एच एस रावत और आज आपको जानकारी देने के लिए आया हूं मैं कि कोरोना का कहर आज से खत्म हो रहा है, यानी खतरा खत्म हो रहा है। अब इसके जो ग्रहों के आधार हैं ब्रह्मांडीय ज्योतिष, उसके आधारों की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज से बुध की जो नीचता है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, शत्रु मुख होने की तरफ जाएगा वो। 7 दिन पहले बुध राशि परिवर्तन से 7 दिन पहले बुध अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है। इसका मतलब जो बुध है, आज 17 तारीख है और 25 तारीख को बुध मेष राशि में परिवर्तन करेगा और 23 तारीख को उसके पूरे प्रभाव आने शुरू हो जाएंगे, फुल फ्लैश। तो अगर आज से गिनूं 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 यानी आज रात से लेकर के, तो बुध की नीचता 7 दिन पहले खत्म होनी शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि बुध मानव जीवन के ऊपर किन किन चीजों का प्रभाव डालता है और अगर वो प्रभाव ठीक हो जाए तो निश्चित तौर पर जो मानव जीवन के ऊपर बीमारियों का कहर है वो कम हो सकता है। बुध जो सांस नली होती है, जिसको कोरोना इफेक्ट कर रहा है, सांस नली, उस नली को प्रभावित करता है। बुध गले को प्रभावित करता है, बुध खांसी का कारक है, बुध का हमारी सांस नली के साथ लंग के साथ लिंक है, बुध चमड़ी का कारक है, खराश का कारक है, इन चीजों पर इफेक्ट डालता है और मेमोरी का कारक है। तो इसका मतलब ये जो वायरस है बुध से प्रभावित है और बुध अभी तक नीच था और अब वो नीचता से खत्म हो रहा है, यानी इसका जो पीक आवर्स था हिंदुस्तान के अंदर वो कम होना शुरू हो जाएगा, आज से कम होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ राशि वालों पर इसका खतरा कम हो जाएगा और सारे जो रिश्तेदार हैं 12 की 12 रिश्तेदार, उनसे भी ये खतरा कम होना शुरू हो जाएगा। आपकी राशि से आपके कौन से रिश्तेदार पर यह खतरा कम होगा, अगर कोई इससे पीड़ित है वो ठीक होगा, डरने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये रहा कि बुध सांस नली, लंग्स, गला, खराश, कोल्ड, कफ, इन जितने भी विकार हैं उन सबको ये प्रभावित करता है। तो हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर एच एस रावत और मेरा फेसबुक पेज एस्ट्रो टीवी, आप इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और वीडियो शेयर जरूर करें जिससे लोगों को इसका लाभ मिल सके। अब हम शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी राशि वालों के लिए इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, ये हम आपको जानकारी देंगे। बात करते हैं पहले मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी नीच था और ये माँ का स्वामी भी नीच होकर के बैठा हुआ था, अब ये नीचता को आज छोड़ देगा तो आपके पैरों में तकलीफ, माँ के उत्सर्जन अंगों में जो तकलीफ थी वो ठीक होगी। और 3 नंबर की राशि जो आपकी, इसमें राहु बैठा हुआ है, बुध राहु से भी पीड़ित है यहाँ पर और राहु इस क्रॉनिक बीमारी, इस वायरस का कारक होता है, तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। कर्क राशि की बात करते हैं हम। कर्क राशि में बुध दादी का स्वामी है और छोटे भाई बहन, अगर आपके छोटे भाई या दादी संक्रमित है, कोई दोस्त संक्रमित है, तो उसको काफ़ी लाभ मिलेगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और भाग्य उसका साथ देगा यहाँ पर, तो इसलिए आप भी खुश हो जाएं। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो यहाँ पर परिवार और बड़ा भाई, अगर वो इस वायरस का कहीं ना कहीं शिकार हुआ है तो अब उनके स्वास्थ्य में लाभ आएगा, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत होगा, उनकी सांस नली वो भी बहुत मजबूत होगी और बुध अब पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 25 तारीख से ही बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब इतने अच्छे रिजल्ट तो नहीं दे सकता जितने कि मैं यहाँ कह रहा हूँ,
अभी नीचता खत्म होगी तो 50-20 अच्छा फल मिलेगा, लेकिन शत्रु राशि में रहेगा और अस्त होकर के रहेगा तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, यानी 9 मई तक इसमें काफ़ी सुधार आएंगे। आज से 9 मई तक, 9 मई के बाद वृष राशि में ट्रांसफर होगा शुक्र के साथ, 9 मई के बाद बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा और जैसे ही 25 मई को ये स्वराशि में आएगा तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे और 16 मई से और अच्छे रिजल्ट आएंगे। धीरे धीरे मई में काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने के योग बनते हैं। कन्या राशि, आप स्वयं अगर संक्रमित होने के शिकार हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ, यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको आएगा, आपके व्यापार में वृद्धि, और जो लॉस हुआ है आपके व्यापार में वो अच्छा होगा। तुला राशि वालों में अगर पिता को कोई तकलीफ हुई है वो ठीक होंगे, दादी भी ठीक होंगी यहाँ पर, इसलिए आप चिंतित ना हों। वृश्चिक राशि की बात करें तो यहाँ पर आपका बड़ा भाई, आपका ससुराल पक्ष, इनको काफ़ी लाभ यहाँ पर मिलने का योग बनता है और आपका एक राजयोग भी बनता है, पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार आने का योग बनता है। ओवरऑल अगर ये मैं कहूँ तो जो खतरा है अब धीरे 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 इस वायरस का ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले भी फलादेश में कहा था, पहले भी भविष्यवाणी करी थी कि साल के अंत तक इसका प्रभाव पूरा ख़त्म होगा और 30 जून से अच्छा होगा, 16 जुलाई से मैंने बहुत अच्छा बोला और मई से इसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस आएंगे। अब धनु राशि की बात करते हैं, आप पत्नी को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है या आपकी मदर इन लॉ को कोई प्रॉब्लम हुई है या आपकी माँ को कोई प्रॉब्लम हुई है, कोल्ड कफ, खांसी या सांस नली से संबंधित विकार, अस्थमा से रिलेटेड कोई तकलीफें हुई हैं वो सब ठीक होंगे, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, आपकी सांस नली मजबूत होगी और आप इस कैंसर से लड़ने में सक्षम होंगे। मकर राशि की अगर बात करूं तो पिता के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आएगा और आपके स्वयं के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, मामा पक्ष भी इसमें काफ़ी अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ अगर मैं कुंभ राशि की बात करूँ तो कुंभ राशि में संतान का सुख और आपका स्वयं का भी यहाँ पर सुधार आने का योग बनता है, कोल्ड कफ, खांसी, सांस, कोरोना जैसी संक्रमित बीमारियाँ, इन सबसे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करूँ तो पत्नी और माँ दोनों अगर इससे कहीं संक्रमित हुए हैं तो उनको लाभ मिलेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी आने का योग बनेगा। ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ कि आज से बुध की नीचता कम हो जाएगी, क्योंकि 7 दिन पहले यह अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देता है, आज नीचता कम होगी, 25 अप्रैल को बुध पूर्ण रूप से मेष राशि में आ जाएगा सूर्य के साथ में, और जब सूर्य के साथ आएगा तो इसके पॉजिटिव प्रभाव कहीं ना कहीं आने शुरू हो जाएंगे। 9 मई से ये बुध शुक्र के साथ आएगा, अपने मित्र के साथ आएगा, तो इसका बल बहुत बढ़ जाएगा और जब बल बढ़ेगा तो जो बुध से संबंधित संक्रमित ये बीमारी है जो हमारी सांस नली को घेरती है, हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, कोल्ड कफ, खांसी, खराश की जो प्रॉब्लम करती है, इंटरनल खराश और बाहर की खराश ये बुध से प्रभावित होती है, वो सब ठीक होने का योग बनना शुरू हो जाएगा। आज से इम्प्रूवमेंट, 25 अप्रैल से और इम्प्रूवमेंट, 9 मई से और इम्प्रूवमेंट, 11, 12, 13 मई से और इम्प्रूवमेंट, उसके बाद 30 जून से इम्प्रूवमेंट और उसके बाद 16 जुलाई से पूर्ण रूप से ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और साल के अंत जाते जाते हम इससे पूरी रिकवरी करेंगे और हमारे ग्रह भी हमारे साथ होंगे। मित्रों, ये थी बुध की नीचता की एक स्थिति, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है और धीरे धीरे ग्रह हमारे लिए पॉजिटिव होने की तरफ जा रहे हैं। आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे पेटीएम नंबर है, इसमें पेटीएम में पैसा डाल करके आप सीधे मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार, और साथ में आपको मैं अपना एड्रेस देता हूँ, उस एड्रेस पर भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी तो लॉकडाउन है लेकिन हाँ, टेलीफोन कन्वर्सेशन ज़रूर हो सकता है। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 5100 रुपए, या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नजदीक C1 जनकपुरी बस स्टैंड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 2563815। मोबाइल नंबर 9212860090, 9811414156। ईमेल
info@astrohubworld.com, वेबसाइट www.drhsrawat.com।